2019 के विधानसभा चुनावों का हो रहा है आगाज। विधानसभाओं में सज रहा है चुनावी रण। दिग्गजों के सामने कमर कस रहे हैं नए उम्मीदवार। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, किसके सिर सजेगा सेहरा और किस पर लगेगा जनता का पहरा, देखिए बोल वोटर बोल कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BVM न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। यमुना में बढ़ते जलस्तर के बाद दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी करीब 4000 मकानों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल की बात करें तो पूरे बसंतपुर क्षेत्र में बाढ़ का पानी सभी घरों तक पहुंच गया था। हालात इस बार भी उससे ज़्यादा खराब होने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार यमुना में करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन इस बार 8,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे शहर में ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। फरीदाबाद में यमुना की बाढ़ से हालात बिगड़ने वाले हैं। इन सब को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में मुनादी कराई जा रही है, मकानों को जल्द खाली करने के आदेश दिए गए हैं। यमुना में रह रहे लोगों की माने तो उन्हें प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बड़े बड़े सपने दिखाकर उन्हें जमीन बेच दी गई और उन्हें मकान बनाकर दिए गए थे। अब वे लोग यहाँ मकान बनाकर रहने लगे थे, लेकिन यमुना में जैसे ही जल स्तर बढ़ता है उनकी परेशानी बढ़नी शुरू हो जाती है। उनके सामने मजबूरी ये है कि वे ऐसे में बच्चों को लेकर जाएं तो कहाँ जाएं। इसके अलावा कुछ तस्वीरें यहाँ ऐसी भी देखने को मिली जो लोग अब इस क्षेत्र को छोड़कर जाना चाहते हैं। बाकायदा कई मकानों पर ये मकान बिकाऊ लिखा गया है। जिस तरह से डीलरों ने उन्हें सपने दिखाकर जमीन बेची गई और उनको मकान दिया गया, लेकिन यहाँ ना तो बिजली की कोई सुविधा है और ना ही पीने के पानी की कोई सुविधा है और रास्ते भी खराब ही नज़र आते हैं। ऊपर से हर साल यमुना का बाढ़ का पानी उनके घरों में आ जाता है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे अब इन मकानों को बेचकर जाना चाहते हैं। यमुना का जो पानी बढ़ा है वह 18 तारीख को मॉर्निंग में 1 बजे से और 6 बजे तक में ज़्यादा डिस्चार्ज का जो है इंक्रीज हुआ है। जो 6 बजे 8,28,000 क्यूसिक पानी हो गया ताजे वाले से डाउन स्ट्रीम साइड में जो छोड़ा गया है, और यह पानी पीछे भी 15-20 साल में इतना पानी पहली बार आया है। और ये लगभग 70-72 घंटे में फरीदाबाद की टेरिटरी में ये पानी वहाँ से छोड़ा हुआ पहुँचता है। इसके लिए हमारे पास जो रिवर एम्बैकमेंट में हमने पूरी प्रोटेक्शन के इंतजाम किए हुए हैं, मशीन चल रही हैं, हमारे आदमी जहाँ भी कोई कमी है वो एम्प्टी सीमेंट बैग्स भर के लगा रहे हैं, और उसके डाउन स्ट्रीम में 14 किलोमीटर की रिवर एम्बैकमेंट है हमारी, और उसके नीचे पानी खेतों में फैल कर चलता है, वहाँ पर कोई इतनी प्रोटेक्शन नहीं है। बाकी इसके जो यहाँ बसंतपुर में कुछ लोगों ने यह मकान बनाए हुए हैं, इनको पुलिस के द्वारा खाली कराया जा रहा है, और यह पानी जो मैक्सिमम है हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम दिल्ली पहुँचेगा ये परसों तक पहुँचेगा, परसों की सुबह तक ये पहुँचेगा। लेकिन हाँ, अगर पिछले साल के हालात की और अब के हालात की बात करें तो कितनी मुश्किल होने वाली है? तो उसमें एक्चुअल में इतनी ज़्यादा कोई उसकी तो बात नहीं है परेशानी की तो, बट ये डिस्चार्ज जो पहले बढ़ा था उससे लगभग 1.5 फुट ऊपर लेवल राइज करेगा, क्योंकि पिछली बार तो डाउन स्ट्रीम दिल्ली जो पानी हमें 80,000 क्यूसिक फ्लो किया है, जो कि 6,05,000 वहाँ से ताजे वाले से छोड़ा गया था, लेकिन अब की बार क्वांटिटी ज़्यादा है और थोड़ा रेगुलर पानी चला है, इसलिए इसमें हमें इसमें 1-2 दिन इसको फरीदाबाद से पानी को सेफली पास कराने के लिए हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा पूरे प्रशासन। ये मान के चलें 2.25 लाख क्यूसेक पानी इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा छोड़ा गया है, और जो बाढ़ के हालात या पानी जहाँ तक पहुँचा था उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा इस बार। हाँ, इस बार जो है पानी तो उसका लेवल तो राइज करेगा ही 1.5-2 फुट कम से कम ऊपर, और ये जो है परसों तक आएगा, और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सतर्कता ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है इस बार। सतर्कता बरतने की तो है ही, इसमें कोई दो राय। कितने इलाके प्रभावित होंगे फरीदाबाद की अगर
सीमा की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो जो रिवर बेसिन से ही गुजर जाएगा महावतपुर 14 किलोमीटर तक, उसके बाद जो आगे है बल्लभगढ़ एरिया है उसमें पानी फैल के चलता है, तो खेतों में पानी भरेगा ही। वहाँ आबादी नहीं है? हाँ, वहाँ आबादी नहीं खेतों में, और जो आबादी वाले गाँव है उनको खाली करा लिया गया और करा रहे हैं अभी। अंदाजा जो लोगों को हटाने की बसंतपुर में ही है कम से कम 8-10 हज़ार लोग, तो और बाकी जो उधर हैं वो वहाँ पे तो कुछ थोड़े लोग हैं, 2-3 हज़ार लोग ही हैं बल्लभगढ़ साइड। कोई इंतजाम किया इनके ठहरने का या कुछ? हाँ, इनके लिए प्रशासन ने पूरा स्कूल में इंतजाम किया हुआ है। हाँ, तैयारी करिए जी, सरकार जी ने कोई तैयारी नहीं करी है, पानी छोड़ दिया जी है, कालिंदी कुंड से, हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, इसमें कोई तैयारी भी नहीं हुई है यहाँ पर, ना कोई टेंट लगे हैं, ना कोई व्यवस्था है यहाँ पर, ना किसी चीज़ की, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा व्यवस्था, यहाँ पर खाली पुलिस वाले आ रहे हैं घूम के चले जाते हैं यहाँ खाली, बस कोई यहाँ कोई नहीं है। नहीं, हर साल इस तरह की बाढ़ आती है? हर साल इस तरह की बाढ़ आती है, हर साल यही होता है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं होती यहाँ पर हर साल। क्या करते हैं फिर आप लोग? हम लोग सलाब क्या करते हैं जनाब, रोड पर जाके बैठ जाते हैं, तेल अपने चटाई लेके जाके वहाँ पर बिछा के सो जाते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, अपने दिन रात दिन परेशान रहते हैं हम लोग यहाँ। सर कैसे तैयार हो जाए यहाँ पर, अगर छोड़ भी देते हैं तो चोर ने वो ताला तोड़ देंगे, सामान निकाल के ले जाते हैं। अब देख रहे हैं अगर ज़्यादा पानी आता है तो यानी भागना तो पड़ेगी, इसको जब देखेंगे तो भागना पड़ेगा, फिर रोड पे बैठना पड़ेगा हम लोगों को, बस यही क्या कर सकते हैं हम लोग। हर साल इस तरह होते हैं? हर साल ऐसे ही होता है। परिवार में लोग कैसे लेके जाएंगे सबको सामान? परिवार में हमारी 6 बेटियाँ, अकेले हम कमाने वाले हैं, रोजी रोजी ऐसी है हमारी, बस अपने खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करा है इंतजाम, क्या करा है प्रशासन ने, कुछ भी नहीं करा है इंतजाम। घर खाली करने के लिए बोलते हैं, खाली कर दो खाली कर दो, खाली कैसे कर दे, मकान है कोई, एक तो झोपड़ी तो है नहीं, तुरंत कम बांधो सामान चले जाओ, अपना घर है, यह भी नहीं है किराए पर रह रहे हो भाई, तो खाली जल्दी से हो जाए, वो भी नहीं हो सकता है भाई, घर है बड़ा अपना घर है, ये तो है नहीं, करें खाली कैसे कर दें। तो जाएंगे आप खाली करके सामान? जब ज़्यादा कुछ होएगा भाई, जान पे आफत आएगी, फिर तो खाली करना ही पड़ेगा, फिर यहाँ के लिए कोई हो भी तो नहीं रहा है, जब नाला पास में जमुना पास में कुछ तो करें जनता, जब यहाँ डीलर ना काटिए जगह तो कुछ तो करें प्रशासन। मैं 3 साल से देख रहा हूँ यहाँ, तीन साल से पानी आता है, समझे जी, और क्या है कि यहाँ प्रशासन कुछ नहीं करता, बस पुलिस आती है और बाहर निकाले खड़े कर देती है, ना कुछ जैसे राजसीवर हैं वो कोई नहीं बनती, ना कोई खाने का, ना कोई पीने का पानी, ना कोई चीज़, बस मंदिर है वहाँ ये पुल बनाया ना वहाँ खड़ा कर देती है पुलिस। आप लोगों ने जब मकान लिया तो आपको नहीं मालूम था कि यहाँ दिक्कत? नहीं, हमें मालूम नहीं था, हमारे धोखा हुआ जी। क्या धोखा हुआ? डीलरों ने कही कही कुछ यहाँ बंडा होगा, ऐसे बंडा बनवा देंगे और यहाँ कोई पानी वानी नहीं आएगा, हम जिम्मेदार हैं, और जब पानी आता है डीलर सब भग जाते हैं मोटरसाइकिल लेकर। यमुना के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, और इसी के चलते फरीदाबाद में यमुना नदी के साथ लगने वाले इलाके में खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है, जिला प्रशासन जनसंपर्क विभाग की टीमें लगातार लोगों के बीच जाकर चेतावनी जारी कर रही हैं। दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद के बसंतपुर गांव का है, जहां इन दिनों यमुना के जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी जा रही है। हथनी कुंड बैराज से 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इसको लेकर इलाके के लोग बाढ़ की आशंका से घबराए हुए हैं। प्रशासन ने भी सतर्कता बरतते हुए इलाके में मुनादी करानी शुरू कर दी है, जिसके चलते यमुना से सटे मकानों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि कल दोपहर तक यहां पानी बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासन इस इलाके के हालातों पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। लोगों को मुनादी करवाई जा रही है प्रशासन के द्वारा, उससे लोगों को ये अपील की जा रही है कि आप अपने जो यमुना के क्षेत्र में मकान बने उनसे निकल के आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो क्या लोग जा रहे हैं या फिर अभी वेट कर रहे हैं? कुछ लोग जा रहे हैं, बाकी और ये अपना धीरे धीरे जाएंगे लोग। फरीदाबाद कृष्णा कॉलोनी और 20 सेक्टर के लोगों को एक बड़ी सौगात दी गई। आपको बता दें कि मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद के कृष्णा कॉलोनी में सेक्टर 20 पहुंचे, जहां मंत्री विपुल गोयल ने करीब 4 करोड़ की लागत से बनने वाली RMC रोड का शिलान्यास किया। साथ ही लोगों ने उनका फूल माला और ढोल के साथ जोरदार स्वागत भी किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सभी सड़कें 1 माह के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगी और हजारों लोग इन सड़कों का फायदा ले सकेंगे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के पहुंचने पर लोगों को खुशी मिली। स्थानीय लोगों ने उनका फूल माला और ढोल के साथ जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अभी सैकड़ों करोड़ों रुपए के विकास चल रहे हैं और निरंतर चलते रहेंगे। विकास के मामले में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की
और कहा कि किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में अध्यक्ष अशोक तंवर पहुंचे, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने राजीव की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही फरीदाबाद के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद रहे। इस दौरान तंवर ने 22 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में होने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म जयंती उत्सव के लिए आमंत्रित किया। पत्रकारों से बात करते हुए तंवर ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ेगी। हुड्डा की रैली के बाद तंवर ने तीखा बयान दिया, मगर आज हुड्डा को लेकर वो नर्म दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही वो रहेंगे और जो छोड़कर चले गए हैं कांग्रेस वो भी वापस आएंगे। देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जन्म दिवस मनाया गया। फरीदाबाद के अध्यक्ष अशोक तंवर भी इस मौके पर पहुंचे, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने राजीव की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए तंवर ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ेगी। हुड्डा की रैली के बाद तंवर ने तीखा बयान दिया, मगर आज हुड्डा को लेकर नरम दिखाई भी दिए और कहा कि हुड्डा कांग्रेस में ही रहेंगे, जो छोड़कर गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि इसको पूरे 75वें जन्म जयंती वर्ष के रूप में पूरा साल मनाएंगे, विभिन्न कार्यक्रम होंगे और आज तो हरियाणा के सभी जिलों में विधानसभाओं में अलग अलग साथियों ने किए हैं, उनको पुष्प अर्पित किए हैं। उनका जो बहुत बड़ा योगदान था, चाहे 21 से लेकर के 18 साल के नौजवानों को वोट का अधिकार देने की बात हो, सूचना और संचार क्रांति के जनक वो थे और पंचायती राज संस्थाएँ उन्होंने लागू करी, इस देश को नई ऊँचाइयों पर ले जाना चाहते थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए, ख़त्म करने के लिए बड़े कठोर कानून भी बनाए और कदम भी उठाए और इस देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम सभी हरियाणावासी, देशवासी, सभी कांग्रेसजन उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि आज हम लोगों ने दी है और 22 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 3 बजे वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ के लिए भी मैंने सबको अपील करी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उनके सपनों को साकार करने के लिए हम कांग्रेस को मजबूत करें। सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, उसके लिए मिलकर के मेहनत करें। 1.5 महीना रह गया विधानसभा चुनाव को, हुड्डा का एक आ ही गया है कि वो नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, तो कांग्रेस पर क्या इफेक्ट देखते हैं? मजबूत होगी कांग्रेस, कमज़ोर होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज वो दिन नहीं है, आज तो दिन इस बात का है कि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागें। जब उन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए तो मैं समझता हूँ कि हम क्यों इतने उसके सत्ता के पीछे भागते हैं। हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सब लोगों को कि किस तरीके से आज देश के सामने चुनौतियाँ हैं और उसका हम त्याग, बलिदान और एक होकर के, एकजुट होकर के उस भावना के अनुरूप कैसे काम करें देश के साथ। तो जब पार्टी के अपने ही लोग पार्टी के खिलाफ चुनौती नहीं, आज नहीं, ये तो अलग अलग समय पर हम बोलते भी रहते हैं, मैंने अपने वक्तव्य भी दिए हैं। आज तो मैं सभी साथियों से माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन इतना सबको विश्वास दिलाऊँगा कि कांग्रेस एक होकर के मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अगली सरकार प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी। अभी भी आपको उम्मीद है कि हुड्डा लौटेंगे कांग्रेस में? बिल्कुल लौटेंगे, अभी गए कहाँ हैं, सभी 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 कांग्रेस में है, कांग्रेस में छोड़ा है, इंप्रेशन ब्लैकमेलिंग है पार्टी को, ब्लैकमेल करने की यहाँ कोई इस तरह की बातें नहीं है। मैं समझता हूँ कि सब ठीक है और आगे और बढ़िया होगा। नहीं तो हुड्डा आपका लग रहा है कि नहीं जा रहे हैं कांग्रेस छोड़कर? अभी तो आज भी समाधि पे सब लोग थे, सब लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, सबका योगदान रहा है और उनकी योग्यता, उनके अनुभव, जो भी लीडर होता है उसके अनुसार पार्टी उनको मौका देती है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपका क्या मानना है, उन्हें पार्टी में रहना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि पार्टी जो गए भी हैं उनको भी वापस लौट के आना चाहिए, पहले भी लौट के आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। धन्यवाद। पढ़े भारत, बड़े भारत के तहत ब्लॉक लेवल पर मिर्जापुर के स्कूल में प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें करीब 500 बच्चों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता सरकार द्वारा बच्चों के पढ़ाई के लिए लेवल को चेक करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अव्यवस्था ऐसी नजर आ रही है जिसे देखकर आपको भी महसूस हो जाएगा सरकार इस योजना को फलीता लगा रही है।
आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके की तस्वीर है उसमें अव्यवस्था फैली हुई है। जी हाँ, ये पड़े भारत बड़े भारत के तहत ब्लॉक लेवल पर मिर्जापुर गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जहां करीब 500 बच्चों ने पढ़ो और सुनाओ प्रतियोगिता में भाग लिया। ये प्रतियोगिता हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में कक्षा 2 व कक्षा 3 के बच्चों ने भाग लिया, लेकिन स्कूल में अव्यवस्था का माहौल नजर आया। बच्चों के बैठने तक का यहाँ कोई इंतजाम नहीं नजर आया, बच्चों को खुले ग्राउंड की घास में ही बैठना पड़ा। तो वहीं स्कूल अध्यापक जो बच्चों को लेकर गए थे उनके लिए भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। अव्यवस्था के माहौल के बारे में जब स्कूल की प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ये ब्लॉक लेवल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में पढ़े भारत बड़े भारत का नाम दिया गया है और इसमें बच्चों ने पढ़ा और सुनाया दोनों तरीके की प्रतियोगिता में भाग लिया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था ठीक है, लेकिन नज़ारा साफ बता रहा है कि व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस की तरफ से और बड़े भारत ये कक्षा 2री और 3री के लिए प्रोग्राम हो रहा है और इसमें स्टोरी टेलिंग और इसमें रीडिंग राइटिंग का कंपटीशन है कक्षा 2री और कक्षा 3री के बच्चों के लिए और लगभग हमारे पास 535 बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। मैडम, 535 बच्चे की आप बात कर रहे हैं, बैठने की क्या व्यवस्था है, बैठने की क्या क्या सुविधाएं बच्चों को की गई, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं, हमने अलग अलग कमरे इनके लिए बैठने के लिए बनाए हैं। टीचर्स के लिए भी एक लाउंज अलग, आगे आपने देखा होगा बेंचेस लगाए हुए हैं, जो टीचर्स बाहर से आए हैं वहाँ बैठे हुए हैं और बच्चों के पानी की व्यवस्था भी की हुई है। और बच्चे अभी भी बाहर ग्राउंड में बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्था कमरों में नहीं है उनके बैठने की? नहीं, वो बच्चे फ्री हो गए होंगे तभी बाहर चले गए हैं, नहीं तो बच्चे सारे कमरों में ही हमने बिठाए हुए हैं और उनकी व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस की तरफ से की गई है। मेन मकसद क्या है इस प्रतियोगिता का? इसका मेन मकसद ये है कि बच्चे इसमें अपना जो स्टोरी टेलिंग में होता है कि अपने क्रिएटिविटी, अपनी जो सृजन शक्ति है उससे अपनी कहानी सुनाएं और रीडिंग करें। बच्चे अपने आप हिंदी का मेन मकसद है, हिंदी पर अपनी मातृभाषा जो हमारी हिंदी होती है उस पे जोर दिया गया है। नहीं, ये कुछ छोटे बच्चे हैं तो कोई पानी पीने चला जाता है, कोई बाहर, कोई ऐसा नहीं है। और 107 स्कूलों के सारे खंड के हमारे पास आए। फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हुड्डा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद से मंडलायुक्त मौजूद रहे। ये कार्यक्रम स्कूलों के बच्चों ने देश प्रेम से ओतप्रोत राष्ट्रभक्ति गीत और नाटकों पर अपनी परफॉर्मेंस दी, तो वहीं कुछ बच्चों ने देशभक्ति भाषण देकर सबको हैरान कर दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हुड्डा विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चों ने देश प्रेम से ओतप्रोत राष्ट्र प्रेम राष्ट्रगीत और नाटकों पर अपनी परफॉर्मेंस दी, तो वहीं कुछ बच्चों ने देशभक्ति भाषण देकर सबको हैरान कर दिया। इस कार्यक्रम के बारे में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त जी अनुपमा ने बताया कि आज़ादी का पर्व सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के दिन ही नहीं मनाना चाहिए बल्कि पूरे साल देश प्रेम होना चाहिए। जिन सेनानियों के चलते हमें फिजा में खुली सांस लेने को मिलती है उन्हें हम सिर्फ एक दिन याद न करके हर पल हमेशा याद रखें। कि मैं कार्यक्रम में आप आए हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने जिस तरह से कितने उत्साह से बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और जिस तरह की प्रदर्शनी उन्होंने टीचर गया उससे हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। एक क्या मैसेज जो है बच्चों को आप यहाँ देकर गए हैं? स्वतंत्रता से संबंधित कार्यक्रम था और सरकारी डिपार्टमेंट के इस तरह के कार्यक्रम जो है जिस लेवल का प्रोग्राम था काफ़ी कम आयोजन ऐसे होते हैं। स्वतंत्रता का आंदोलन एक आंदोलन है, लेकिन जो आज़ादी हमको आज मिली है और जिसकी हम खुली सांसें हम ले रहे हैं ये एक पर्व है। तो साल में एक दिन 15 अगस्त के दिन ही ना मनाएं, हम इस पर्व को हर क्षण हर पल हमें इसको जीते जागते रखना चाहिए। और स्वतंत्रता के साथ जो जिम्मेदारी आती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके ऊपर है, ये हम बच्चों को भी यही मैसेज देने की कोशिश की कि हर एक नागरिक की हर बच्चे की एक जिम्मेदारी है इस देश को इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और इस देश की एकता और अखंडता के लिए
परिश्रम कर रहे हैं। 28 तारीख दिन बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा फरीदाबाद में पहुंचेगी। इस मौके पर फरीदाबाद में करीब 6 विधानसभाओं में जगह जगह भाजपा नेता उनका स्वागत करेंगे। इसके तैयारियों को लेकर सभी भाजपा नेताओं ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में प्रथला विधानसभा के विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने अपने कार्यालय पर बीजेपी व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आने वाले 28 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में जनसमूह इकट्ठा करने की बात कही है। 28 तारीख को मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरी ताकत दिखाने की बात कही है। इस मौके पर कई गाँव के सरपंच भी मौजूद रहे। 28 तारीख के दिन बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा फरीदाबाद में पहुंचेगी। इस मौके पर फरीदाबाद में करीब 6 विधानसभाओं में जगह जगह भाजपा नेताओं ने स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर सभी भाजपा नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में प्रथला विधानसभा के विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने अपने कार्यालय पर बीजेपी व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आने वाले 28 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में जनसमूह इकट्ठा करने की बात कही। 28 तारीख को मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरी ताकत दिखाने की बात कही है। इस मौके पर कई गांव के सरपंच भी मौजूद रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मेरी पहली वर्कर मीटिंग और मेरे अंदाज में यहाँ हर गाँव से सरदारी, हर गाँव से आदमी आया हुआ। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी एक जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के हमारे बीच में आएंगे और उस उनके स्वागत की तैयारी को हम इस जोर शोर से करना चाहते हैं। जितना प्यार उन्होंने हमें पिछले 58 महीनों में दिया है उसको कई गुना वापस करके हम देना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था और आज आपने देखा होगा, यहाँ आप देख रहे थे कि जो भी साथी आए हैं, मैंने कहा कि मैं साधन मैं दूँ या अपने आप लेकर के आएंगे, तो एक भी साथी ने ये नहीं कहा कि आप साधन भिजवाएंगे। उन्होंने कहा हम, उन्होंने दिया जिस तरीके से, उन्होंने वार्तालाप किया जिस तरीके से, बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से जितने भी संसाधन को लेकर के जितने भी आदमी हमारे सब ने, किसी ने गांव से 150, किसी ने 200 के या 10,000 आदमियों की ड्यूटी उन्होंने लगाई, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को, समस्त सरदारी को और मेरे यारे प्यारे जो भी हमारी टीम है उस सबको दिल से धन्यवाद करता हूं और उनका स्नेह सदैव हमारे ऊपर बना रहे, यही मैं विश्वास करता हूं। डीसीपी विक्रम कपूर आत्महत्या केस में सुसाइड नोट के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपी एसएचओ अब्दुल सईद को 4 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आत्महत्या के मामले से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करने व प्रयोग किए गए मोबाइल और दस्तावेजों को बरामद करने के लिए 5 दिन का रिमांड दिया था, लेकिन उनको 4 दिन का रिमांड ही मिल पाया था। डीसीपी विक्रम कपूर आत्महत्या केस में सुसाइड नोट के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपी एसएचओ अब्दुल सईद को 4 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आत्महत्या के मामले से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करने व प्रयोग किए गए मोबाइल फोन और दस्तावेज को बरामद करने के लिए 5 दिन का रिमांड मांगा था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 4 दिन का रिमांड दिया है। पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में खड़े हुए एडवोकेट एनएल पाराशर ने बताया कि जो पुलिस को बरामद करना था वो उन्हें मिल गया है। अब कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के वकील ने जमानत की गुहार लगाई थी मगर कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था। प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर रहे थे हम, उससे हमें जो रिकवर करना था वो रिकवरी हमने कर ली। क्या क्या कर ली है? ये नहीं बता सकते, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकते। जहाँ तक बात है उसकी पुलिस रिमांड की, जिस पर्पज के लिए पुलिस रिमांड मांगा था वो पुलिस रिमांड उसका वो डॉक्यूमेंट्स हमको मिल गए और उसको जुडिशियल भेज दिया। डिफेंस काउंसिल ने एप्लीकेशन लगाई थी मेडिकल की, वो ऑलरेडी जो पुलिस है बोर्ड से मेडिकल करा के लाई थी, इसलिए उन्होंने जो वर्बली कही थी बोर्ड की वो कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी और 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड भेज दिया। वकील साहब, डिफेंस लॉयर इसे हनी ट्रैप का मामला बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं है, पुलिस बिल्कुल अपने उसमें चल रही है, सारी सामने पिक्चर सामने आ जाएगी। अभी अर्लियर स्टेज है और SIT गठित की गई है जो हायर ऑफिसर्स के द्वारा की गई है, जो भी है पुलिस ने पूछताछ पूरी कर ली, उनका पर्पस सॉल्व हो। नहीं नहीं, इससे पूछताछ पूरी कर ली है, बाकी और एक्यूज जो हैं
उनसे जो उनकी प्रोसीडिंग चल रही है, जो भी पुलिस प्रोसीडिंग है, हाँ एक ने जमानत लगाई है, उसमें अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ। कहा जा रहा है इस केस की जांच अमिताभ ढिल्लो के अगुवाई में। हाँ हाँ, आईजी साहब इसके एसआईटी के हेड हैं, असली सच सामने आएगा, और एसीपी साहब हैं फोकाट साहब, असली सच सामने आएगा। अब आ ही रहा है धीरे। देखो आप एकदम तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन के सामने आता रहे जो आता रहेगा जो एक्यूज होगा पकड़ा जाएगा। पलवल की प्रेम विहार कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा पानी निकासी के लिए बनाया गया नाला लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नाला ओवरफ्लो होने पर इसका गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाले में गिरकर दो बच्चों की मौत भी हो चुकी है। इस समस्या को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रेम विहार कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी के लिए बने नाले को लेकर स्थानीय निवासियों ने जमकर हंगामा किया, जिला प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस नाले में भरे गंदे पानी से यहां रहने वाले लोग काफी परेशान हो गए हैं। स्थानीय निवासी लीला देवी, तवस्सु, घनश्याम, प्रियंका, मीना कुमारी सहित अन्य लोगों ने बताया कि ये नाला गंदे पानी की निकासी के लिए बनाया गया था, लेकिन जब से ये नाला बना है इसकी हालत दयनीय बनी हुई है। ये नाला गंदगी से अटा पड़ा है, जिस कारण ओवरफ्लो हो रहे गंदे पानी जिसके कारण ओवरफ्लो हो रहा गंदा पानी घरों में घुसने लगा है। बरसात के मौसम में तो इसका बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये पहले से गंदगी से ही ओतप्रोत है और ऊपर से बरसात का पानी नहीं झेल पाता है, समस्या खड़ी हो जाती है। विभाग के अधिकारियों से कई बार समाधान के लिए कहा गया, लेकिन कोई नहीं सुनता है। इतना ही नहीं, इस नाले में गिरकर गत वर्ष दो बच्चों की जान भी जा चुकी है। इस बड़ी घटना से नगर परिषद के कर्मचारियों ने कोई सबक नहीं लिया है, अतः लगता है कि विभाग किसी नए हादसे का इंतजार कर रहा है। परेशानी ये एक साल से ऊपर हो गया जी, ये नाले का पानी ये सड़क पे आ जाता है रास्ते में, और सीवर भी ओवर गु पड़े हैं। हाँ, ये एक साल से ऊपर दिक्कत है जी, और इसमें बदबू मारती है बुरी। हम बीमार हो रहे, बच्चे बीमार हो रहे, ना हम निकल सकें घर से, ना बच्चे निकल सकते हैं, इतना बुरा हाल है। हम जेल से में पड़े हैं, नाले का गंदा पानी है। ये नाले का गंदा पानी है, बहुत बदबू मारती है जी, और गाड़ी वाले आते हैं तो इतनी जोर से चलाते हैं कि हमारा सारा घर में अंदर तक जाता है, दुकान में भी जाता है और घर में भी जाता है। क्या कारण है जो नाले का गंदा पानी? ये नाले का पानी ये कारण है जी, नाले का पानी इसमें ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका पानी का रास्ता नहीं है जाने का किधर को भी, ये ओवर होके इसमें आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फरीदाबाद से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फरीदाबाद टाइम्स। नमस्कार।2019 के विधानसभा चुनावों का हो रहा है आगाज। विधानसभाओं में सज रहा है चुनावी रण। दिग्गजों के सामने कमर कस रहे हैं नए उम्मीदवार। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? किसके सिर सजेगा सेहरा और किस पर लगेगा जनता का पहरा? देखिए बोल वोटर बोल कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BVM न्यूज पर।